बैठ और बच्चों, आप लोग का ठीक चल रहा है? तो पिछले टर्न पर मैंने आपको जो है, पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको एक से लेकर के रूल एक से लेकर के रूल आठ तक सारी बातें मैंने आपको क्लियर कर दी। ठीक है, अब इसके बाद जो है रूल नाइन है ना, रूल नाइन डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक पॉइंट और रह जाएगा, उसको हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर उनको जरूरत नहीं है, उस टाइप के सवाल जो पूछे भी नहीं जाते हैं, लेकिन उसको हम फ्यूचर में डिस्कस कहीं पर करने वाले हैं। ब्रिज टाइप कॉम्प्लेक्स, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी जरूरत हमको नहीं है बेटा। ठीक है ना, तो लिखो रूल नाइन। बेटा जी रूल नाइन लिखिए। तो रूल नाइन में हमें करना क्या है, लिखो इफ, लिखो फर्स्ट पॉइंट, लिखो इफ ऑक्सलेट आर प्रेजेंट, है ना, इफ ऑक्सलेट आर प्रेजेंट, ऑक्सलेट आर प्रेजेंट इन कोऑर्डिनेट कंपाउंड, ऑक्सलेट आर प्रेजेंट इन कोऑर्डिनेट कंपाउंड, देन बाई और ट्राई, बाई बी आई बाई और ट्राई वर्ड्स आर यूज्ड, राइट। क्या लिखवाया मैंने, ये हमारा ऑक्सलेट आयन है, ठीक है ना, ये हमारा क्या ऑक्सलेट है, रिप्रेजेंट करेंगे ऑक्स से। अगर हम हमसे क्वेश्चन ये कहता है कि ऑक्स टू लिखा है या ऑक्स थ्री लिखा है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे इसको, ये तो ऑक्सलेट हुआ, ठीक है ना, तो ये हम इसको लिखेंगे, दो है तो लिखेंगे बाई, क्या लिखेंगे बाई, और तीन है तो क्या लिखेंगे ट्राई, क्या लिखेंगे बेटा ट्राई, तो बाई ऑक्सलेट, ठीक है, बाई ऑक्सलेट, बच्चों हमारी बात सुनो, और ट्राई ऑक्सलेट, ऐसा होगा, होगा कि नहीं होगा। लेकिन बेटा अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है तो एट किस में कन्वर्ट होगा, एटो में, तो क्या हो जाएगा ऑक्सलेटो, और ये क्या हो जाएगा बाई ऑक्सलेटो, ये हो जाएगा ट्राई ऑक्सलेटो। ऊपर वाला अगर दो लिखा है तो बाई ऑक्सलेटो, और अगर तीन लिखा है तो ट्राई ऑक्सलेटो। इज क्लियर, नोट कर बेटा। अच्छा, बाई की जगह पर डाई भी यूज कर सकते हो, बाई की जगह पर डाई भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाई की जगह पर डाई भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नोट करो बेटा। लिखा बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इसी में रूल लाइन में ही नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इफ ई एन, ई एन कॉमा जी एल वाई कॉमा ए सी, है ना, इफ ई एन कॉमा जी एल वाई कॉमा ए सी आर प्रेजेंट, ए सी आर प्रेजेंट, देन वी यूज्ड बिस, बिस और ट्रिस, टी आर आई एस, ट्रिस, बिस और ट्रिस, है ना। अब देखो मैंने क्या लिखा, बेटा मेरी बात सुनो, पहले हमारी बात सुनो, मैंने पहले लिखवाया ई एन, व्हाट इज ई एन, है ना, इसको लिखते हैं इथाइलीन डायमाइन, इथाइलीन डायमाइन, और एनसीईआरटी में इसी को लिख रखा है इथेन वन टू डायमाइन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, आप इन दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो, इन दोनों में से आप कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हो। तो अगर मैंने क्वेश्चन में दे रखा है ई एन का ट्वाइस, ये दे रखा है, अगर मैंने क्वेश्चन में ई एन का ट्वाइस दे रखा है तो दो को क्या लिखेंगे बेस, क्या लिखेंगे बेस, बेस, और इसके बाद लिखेंगे इथाइलीन, इथाइलीन डायमाइन, ठीक है ना बेटा, इथाइलीन डायमाइन। और अगर हमने क्वेश्चन में ई एन ट्राई लिख रखा है, तीन लिख रखा है,
तो तीन को क्या लिखेंगे, ट्रेस, क्या लिखेंगे, ट्रेस, ट्रेस इथाइलीन डायमाइन, डायमाइन। ठीक है बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इथाइलीन डायमाइन की जगह पर इथेन वन टू डायमाइन भी लिख सकते हो, इथाइलीन, इथाइलीन डायमाइन की जगह पर इथेन वन टू डायमाइन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर से हमारी बात सुन लो, इथाइलीन डायमाइन की जगह पर इथेन वन टू डायमाइन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिखो बेटा, लिखा बेटा नेक्स्ट लाइन से देखो क्या मैंने बोला है। दूसरा मैंने बोला है आपसे जीएलवाई, ठीक है, दूसरा मैंने क्या बोला है, जीएलवाई, ठीक, क्या बोलते हैं, ग्लाइऑक्सीनेट, क्या बोलते हैं इसको, ग्लाइऑक्सीनेट। अब एक बात बताओ, अगर अगर जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, लिगेंड में है, तो एट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एटो में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर क्वेश्चन में मैंने कह रखा है जीएलवाई और मैंने दे रखा है ट्वाइस, इसके लिए क्या लिखेंगे हम, बेस ग्लाइऑक्सीनेटो। अगर मैंने लिखा है जीएलवाई का थ्राइस तो क्या लिखेंगे, ट्रेस, ट्रेस ग्लाइऑक्सी नेटो। लिख बेटा, लिखा बच्चों अगला देखो, एक और मैंने बोला है अभी आपसे, बेटा एक और बोला है मैंने अभी बच्चों, एक और बोला है, एसी एसी करके बोला है ना, तो इसमें क्या होता है, एक निगेटिव चार्ज होता है, पहली बात तो ध्यान सुन लो, इसका नाम क्या होता है, एसिटिल एसिटेट, ठीक, एट लगा है, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिगेंड की जगह पर होगा तो एटो में कन्वर्ट होगा। अगर मैंने क्वेश्चन में दे रखा है एसी एसी का ट्वाइस, ठीक है, क्या लिखूंगा मैं, बेस एसिटिल एसिटेटो। अगर मैंने एसी एसी का थ्राइस लिख रखा है तो क्या लिखूंगा मैं, ट्रेस है ना, एसिटिल एसिटेटो। लिख बेटा, लिखा बच्चों अब लिखो एक्सरसाइज, लिखो बेटा एक्सरसाइज, मिटा दें, लिखो बेटा एक्सरसाइज।
लिखो बच्चों एक्सरसाइज। लिखो एक्सरसाइज, ठीक है, लिखो एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में जो पहला लिखो बेटा, सबसे पहले हम लिखते हैं एसी और ईएन का होल थ्राइस बाहर लगा दिया सीएल थ्री, राइट। इथाइलीन डायमाइन न्यूट्रल लिगेंड होता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होता है। फिर से हमारी बात सुन ले, इथाइलीन डायमाइन जो होता है न्यूट्रल लिगेंड होता है और इसका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होता है। इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ट्रांजिशन मेटल से यह डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, इसलिए यहां पर मैं फेरेट फेरस इस तरीके के वर्ड यूज नहीं करूंगा। यहां पर जो मैं वर्ड यूज करूंगा सिर्फ आयरन वर्ड यूज करूंगा, इज दैट क्लियर। इस केस में इथाइलीन डायमाइन न्यूट्रल लिगेंड है। अब न्यूट्रल लिगेंड का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होता है और न्यूट्रल लिगेंड जैसे ही ट्रांजिशन मेटल के साथ जुड़ा होगा, न्यूट्रल लिगेंड जैसे ही ट्रांजिशन मेटल के साथ जुड़ा होगा, वो उस ट्रांजिशन मेटल को हम सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। तो यहां पर हम फेरस फेरेट इस तरह के फेरिक ये सब की बात नहीं करेंगे, यहां पर सिर्फ हम सिंपल बात करेंगे, दैट इज आयरन, राइट। तो यहां पर बच्चों क्या है, अब पहले तो ये डिसाइड कर ले ईएन, अभी मैं बता चुका हूं ईएन की क्या बला है। ईएन जो है इसको बोलते हैं इथाइलीन डायमाइन। तो पहले सबसे पहले तो ये बच्चों एक बात सुनो, इसको हम बोलेंगे न्यूट्रल लिगेंड। तो न्यूट्रल लिगेंड का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा, यानी OS बराबर इस केस में जीरो हो जाएगा। OS मैं जीरो लिख देता हूं, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये आपका जीरो लिख दिया। अब यहां पर इसका मेरे को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ठीक है, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। तो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, देखो X ये तो आपका जीरो हो गया और यहां -3, तो -3 बराबर जीरो, तो X बराबर कितना हो गया, +3 हो गया बेटा, हुआ कि नहीं हुआ। अब हमें नाम लिखना है, ईएन के लिए मैंने क्या वर्ड यूज किया बताओ बेटा, ईएन के लिए मैंने 20 और 30 वर्ड यूज किया। अगर मैंने ईएन के लिए 20 और 30 वर्ड यूज किया है तो बच्चों यहां देखो क्या दो है या तीन है, तीन है। अब यहां पर देखो क्या लिखेंगे, तीन का मतलब ट्रेस का आगे क्या लिखेंगे, इथाइलीन और डायमाइन, क्या लिखेंगे, इथाइलीन डायमाइन। बेटा मेरी बात समझिएगा, सब मिला के लिखेंगे, मैं अलग अलग लिख रहा हूं, बोर्ड छोटा है, मैं अलग अलग लिख रहा हूं, मैं गलत तरीके से लिखूंगा, लेकिन आप बिल्कुल सही सही लिखेंगे, ठीक है ना, आप बिल्कुल मिला के लिखेंगे। अब यहां पर क्या है, इसके बाद इथाइलीन डायमाइन हो गया। अब बाहर के साइड में Cl2 हो, Cl4 हो, Cl5, कुछ भी XYZ1 से लेकर इंफिनिटी तक हो, लिखेंगे सिर्फ आप क्लोराइड, क्या लिखें, क्लोराइड। अब यहां पर लिगेंड के बाद जो दूसरा नंबर जगह बनता है ट्रांजिशन मेटल यानी आयरन, जैसे ही मेटल लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, जीरो। बाहर Cl3 लिखा है तो क्या लिखेंगे, क्लोराइड, क्या लिखेंगे बेटा, क्लोराइड। नोट कर, तनुज राठी बेटा ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत, तनुज राठी बेटा कोई दिक्कत हो बताना, ठीक है ना, शर्माना नहीं। लिखिए बच्चों, लिखा बेटा, अगला लिखें, लिखो भाई अगला लिखो, नोट कर लिया। ये थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है और मुझे लगता है काफी हद तक आपको समझ में आ भी गया होगा, ठीक है ना। चलो अब इसके बाद लिखो बी, मैं लिख रहा हूं VO AC का ट्वाइस, ये मैंने लिखा, समझना, VO AC AC का ट्वाइस। V का मतलब वैनेडियम, O का मतलब ऑक्साइड, तो ऑक्साइड जो होगा ऑक्सो में कन्वर्ट होगा, आइडो में कन्वर्ट होगा, ऑक्साइडो लिख सकते हो, ऑक्सो लिख सकते हो, और ये आपका एसिटिल एसिडेट है।
और ये आपका जो एसिटिल एसिटेट है लास्ट में एट कन्वर्ट हो जाएगा एटो में और ऑक्साइड कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सो में। तो ये तो एक बार डिसाइड हो गया, पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल। बेटा ऑक्सीजन की तारीफ क्या होती है, ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होता है और यहां पर एसी एसी की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये 2 है, इसका मतलब ये हो गया मिल करके -4 की तरफ इशारा कर रहा है। अब यहां पर मैं लिख सकता हूं एक्स माइनस फोर बराबर जीरो, तो एक्स बराबर कितना हो गया 4। ये क्लियर हुआ बेटा, एक एसी एसी पर एक माइनस, एक एसी एसी माइनस एक है, दो लगा दिया, दो माइनस ये टोटल हो गया -4। तो ये इसका निकालना है, इसका हमको वी का निकालना है, तो एक्स माइनस फोर बराबर जीरो, तो एक्स बराबर हो गया 4। इसका क्लियर, इतना समझ में आता है, नोट करो इतना पहले। लिखा बेटा, अब थोड़ा ध्यान से देख, ये ऑक्सो है और ये एसिटिल एसिटेटो है, पहले किसको लिखूंगा मैं, ए को या ओ को? तो अल्फाबेट कहता है पहले अल्फाबेटिकली लिखिए, पहले ए को लिखिए, फिर किसको लिखिए, ओ को लिखिए। अब एक बात बताओ, ये हमारा 2 है तो क्या लिखूंगा, ट्रिस लिखूंगा या बिस लिखूंगा? 2 है तो बिस लिखूंगा, क्या लिखूंगा, बिस। ये हमारा क्या होगा, बिस। बिस के बाद क्या लिखूंगा मैं, एसिटिल एसीटेटो। इज दैट क्लियर? ये हमारा क्या होगा, ऑक्सो। ये हमारा क्या होगा, ऑक्सो, सब मिला के लिखेंगे। और ये देखो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज इसके साथ लगा हुआ वैनेडियम के साथ, तो क्या मैं वैनेडियम लिखूंगा, वैनेडेट लिखूंगा? अगर नेगेटिव पार्ट लगा हुआ है तो वैनेडियम नहीं लिखूंगा, इसको मैं वैनेडेट लिखूंगा। क्या लिखूंगा बेटा, वैनेडेट, यानी वैनेडेट। अच्छा एक बात बताओ, अब ऑक्सीडेशन नंबर मैं लिखूंगा ना, ट्रांजिशन मेटल लिख लिया, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना, 4। लिख बेटा, लिखा बेटा अगला देख, बी के बाद सी में आ जा बेटा, बी के बाद सी में आ जा। अगर मैं कह रहा हूं सी, ये हमारा हो गया Na3, ये हमारा Al हो गया और ये हमारा हो गया C2O4 का होल थ्राइस। बेटा ये ऑक्सलेट है, ये क्या है, ये हमारा ऑक्सलेट आयन है ना। अब समझना हमारी बात ध्यान से, सबसे पहले एल्यूमिनियम के भी कॉम्प्लेक्सेस बन सकते हैं अगर वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आ गया है ना। अगर कोई एस ब्लॉक एलिमेंट या पी ब्लॉक एलिमेंट कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आ गया तो वो ट्रांजिशन मेटल की तरह काम करने लगेगा, यानी उसका नॉमेनक्लेचर भी अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी उसी तरीके से कंसीडर किया जाएगा, ऐसा नहीं कि अलग हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अच्छा अब दूसरी बात सुनो, सबसे पहले हमें एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ठीक है ना। सबसे पहले एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या करना है, निकालना है। अच्छा इधर सुनो, ये ऑक्सलेट है, ठीक है। ऑक्सलेट का जो स्ट्रक्चर बनता है वो इस तरीके से बनता है, ऑक्सलेट का स्ट्रक्चर इस तरीके से बनता है, ये O माइनस ये O माइनस। इसका मतलब ये हुआ कि एक ऑक्सलेट को मैं रिप्रेजेंट इस तरीके से भी कर सकता हूं, ओ एक्स ऊपर -2। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि -2 ये है और 3 मोल ये है, तो 3 × -2 इसका मतलब -6। इसका मतलब क्या हो गया, -6। क्लियर है? अच्छा इधर देखो, अब मेरे को इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो 3 तो सोडियम का हो गया, इसी का निकालना है और ये कितना हो जाएगा, -6 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3। ये होगा कि नहीं होगा बेटा, होगा कि नहीं होगा, पहले ऑक्सीडेशन नंबर लिखो। लिखा बेटा,
ऑक्सीडेशन नंबर लिख लिया, आप इधर देखो ध्यान से बच्चों, इधर देखो नाम वही शुरू करेंगे, ये क्या हो गया सोडियम, ठीक है। अब ये इसके लिए ऑक्सीलेट के लिए क्या बोला था मैंने, ट्राई या ट्रेस, आप लिखेंगे ट्राई, तो ये हो गया हमारा ट्राई, क्या हो गया ट्राई। अब यहां पर क्या लिखेंगे, ऑक्सीलेट है तो ऑक्सीलेट को क्या लिखेंगे, ऑक्सीलेटो, क्या लिखेंगे ऑक्सीलेटो, क्या लिखेंगे ऑक्सीलेटो, ऑक्सीलेटो। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के ध्यान से देखना, एल्युमिनियम के पास निगेटिव वाला है OX माइनस टू होता है, तो निगेटिव वाला पार्ट इसके साथ जुड़ा है तो हम क्या लगा देंगे, एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट, राइट। और ऑक्सीडेशन नंबर कितना भी आपने निकाला था, 3, जिसमें आंसर समझ में आया कुछ कुछ, चलो नोट कर बेटा। लिखा बच्चों, अब देखो मिटा दे, डी में आ जा बेटा। अगर मैंने लिखा Na2 और Ni और इसके बाद मैंने लिखा EDTA, क्या लिखा EDTA। अब सबसे बड़ा चैलेंज क्या है इस सवाल में, सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, ठीक। हम जानते हैं, हम ये जानते हैं कि EDTA हेक्साडेंटेट लिगेंड है, बात को समझना, हम ये जानते हैं कि EDTA हेक्साडेंटेट लिगेंड है, लेकिन इससे मेरा भला होने वाला नहीं है कि हेक्साडेंटेट है उससे मेरा भला हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हमारे पास ये समस्या ये है कि हम EDTA में पहले ये जान ले कि कितने माइनस चार्ज होते हैं, सबसे पहले हम ये जान ले कि EDTA में माइनस चार्ज कितने होते हैं। तो बच्चों एक बात सुनो, एक बात सुनो, जब मैंने EDTA का स्ट्रक्चर बनाया था, फिर से मैं रिवाइज करा दे रहा हूं, जब मैंने EDTA का स्ट्रक्चर बनाया था IIT 14 में एज इट इज पूछ लिया था उसने, ये स्ट्रक्चर ही एज इट इज पूछ लिया था IIT 14 में, तो इसका मतलब मेंस में अगर नीट वगैरह के एग्जाम में पूछने के लिए वो दावेदारी कर सकता है, कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है साहब। अब ये हमारा COO1 हो गया। अब एक बात बताओ, अब एक बात बताओ, इस स्ट्रक्चर में एक बात मेरे को समझ में आ रहा है कि माइनस कितने हैं, माइनस चार है, माइनस कितने हैं, चार, 1, 2, 3 और ये चार, चार माइनस, ये समझ में आ रहा है, माइनस चार, और ये मोल कितने, 1 × −4 = −4। अब इस केस में मेरे को ये निकालना है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो 2 इसका हो गया सोडियम का और x, और क्या लिखूंगा, −4 = 0, तो x बराबर कितना लिखूंगा, +2, यानी इस केस में ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, इस केस में ऑक्सीडेशन नंबर क्या, +2। लेकिन मैक्सिमम अब स्टूडेंट के दिमाग में टेंडेंसी होती है कि हेक्साडेंटेट है तो -6 चिपका देंगे, मैक्सिमम अब स्टूडेंट के दिमाग में टेंडेंसी होती है कि साहब हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है, इस वजह से -6 लिख देते हैं, और -6 लिखते ही उनका पूरा का पूरा सवाल कचरा हो गया, मतलब किसी काम का वो नहीं बना। एग्जामिनर इतना चालाक होगा कि वो इस तरीके का भी एक ऑप्शन रखेगा, एग्जामिनर बहुत चालाक होता है, वो इस तरीके का एक ऑप्शन रखेगा, क्योंकि आप जानते हो EDTA जो होता है हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है, तो मैक्सिमम आप स्टूडेंट के दिमाग में टेंडेंसी होती है कि -6 हम यूज करेंगे, जैसे ही आपने -6 यूज किया आपका पूरा सवाल खराब हो गया, बिल्कुल गलत हो गया, नो आंसर, आपका जो रेस्पॉन्स हो गया वो गलत हो गया। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, मैं इसलिए मैंने इसको फिर से रिपीट कर दिया कि हम इस केस में कैसे हम कंसिडर करने वाले हैं। तो पहले इतना लिखो,
अनुष्का तेरा रेस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा है और खुशी मित्तल का भी रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है कुछ। ठीक है, क्या कर रहे हो तुम लोग? व्हाट्सएप करो। लिखा, अब इसके नाम पर आ जाए। इधर डिसाइड हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर डिसाइड हो गया बेटा। अब इसके नाम पर आ जाओ बच्चों। इसका नाम क्या लिखेंगे? सोडियम। क्या नाम लिखेंगे? सोडियम। सोड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सोड भी लिख सकते हो आपकी मर्जी। सोडियम। इसके बाद क्या लिखेंगे? इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? इथाइलीन डायमाइन। मिला मिला लिखेंगे आप लोग। डायमाइन टेट्रा एसीटेट। क्या ये सही लिखा मैंने? क्या मैंने सही लिखा? नहीं, बिल्कुल गलत लिखा। जब एसीटेट है और लिगेंड है तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एटो में। कि किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एटो। क्लियर होगा? हो गया बेटा, एसीटेटो में कन्वर्ट हो गया। इथाइलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेटो। और अब निकिल निगेटिव के साथ जुड़ा है, इसमें निगेटिव होता है, मैंने अभी करके दिखाया। अब निकिल इसके साथ जुड़ा हुआ है तो निकिल को क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? निकिले। क्या लिखेंगे? निकिले। ये हमने लिखा निकिले, तो ये हो गया निकिले। ऑक्सीडेशन नंबर क्या बोला है? क्या बताया मैंने आज आपको? दो। क्लियर है? नोट कर बेटा। लिखा बच्चों? बालको लिखा। अगला लिखें। चल अब देखो, डी के बाद ई में आ जाओ। बालको ई में आओ। मैंने लिखा चलो चलो NA2 लिख लेते हैं। NA2 लिख दिया तो लिख दिया। अब सीओ लिखा मैंने, ईएन का थ्राइस लिख दिया। ठीक है, थ्राइस लिख दिया। और चलो अब ऐसा बना देते हैं, SO4 और CO3, या ऐसा कर लेते हैं, हटाओ, थोड़ा सा बढ़िया कर लेते हैं, मस्त कर लेते हैं। ट्वाइस और CO3 Cl, और बाहर भी कुछ लिख लेते हैं। चलो बाहर भी लिख लेते हैं। अब लिख दिया तो लिख दिया, बात खत्म, है ना। अब देखो, सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। एक बात बताओ कि क्लोरीन पे, क्लोराइड पे -1, कार्बोनेट पे -2, ये आपका न्यूट्रल, ठीक, ये न्यूट्रल, और सल्फेट पे कितना? -2। यही तो है पक्का, सब यही सब चार्जेस हैं। अब मेरे को निकालना है सीओ का, निकालना है तो 2+x माइनस कितना? 2, 2, 4, 1, 5 बराबर 0 हो जाएगा, है ना, हो जाएगा। अब एक्स बराबर कितना आया? तो एक्स बराबर आ गया +3। तो एक बात पर डिसाइड हो गया साहब कि हमारे ऑक्सीडेशन नंबर +3 आने वाला। पहले इतना नोट करो बच्चों। थोड़ा तेज लिखो, जल्दी लिखो, बहुत धीरे लिख रहे हो भाई तुम लोग। बालको बहुत धीरे लिखो, खा पी के नहीं बैठे हो क्या? खाना ना खा के देखा करो वीडियो। ठीक है, चल। अच्छा अब देखो, अब एक बात ये डिसाइड हो गया कि साहब ऑक्सीडेशन नंबर हमने निकाल लिया। अब जरा इसमें अल्फाबेट की जरूरत तो मेरे को है नहीं, अल्फाबेट की जरूरत मेरे को है नहीं, क्योंकि लिगेंड में हमें अल्फाबेट देखना है। तो जो कोऑर्डिनेशन स्टेयर के बाहर गया, बात खत्म। अब इसमें आ जाओ, ये आपका सी से शुरू होता है, ये भी आपका सी से शुरू होता है, देखो दिक्कत आ गई। और ये आपका ई से शुरू होता है, तो एक बात तो डिसाइड हो गया। अब देखो, ये हमारा कार्बोनेटो है ना, कार्बोनेटो, और ये क्या है? क्लोराइडो। अब सी ए या सी एच है, बताओ किसको मैं सेलेक्ट करूंगा?
सीए को करूंगा नहीं करूंगा, चलिए एक बात तो डिसाइड हो गया। अब नंबर एक पर मैं इसको लूंगा, है ना, ए बी सी डी ई, ई कहां है, सी से पहले बाद में, बाद में। अब ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा नंबर दो और नंबर तीन ये हो गया, हो गया। तो क्या लिखूंगा मैं, पहले बताओ, सोडियम सोड, फिर क्या लिखूंगा, कार्बोनेटो, क्या लिखूंगा, कार्बो कार्बोनेटो, इसके बाद क्या लिखूंगा मैं बताओ बेटा, क्लोराइडो, क्या लिखूंगा, क्लोराइडो, फिर क्या लिखूंगा, ईएन ट्वाइस है, ध्यान समझना, ईएन ट्वाइस है, तो क्या लिखूंगा, बेस, बेस के बाद इथाइलीन, है ना, डायमाइन, क्या लिखूंगा, इथाइलीन डायमाइन। अब इसके बाद बाहर में क्या लिखूंगा बताओ बेटा, बाहर क्या लिखूंगा, सल्फेटो या सल्फेट, तो बाहर लिखूंगा सल्फेट, क्या लिखूंगा, सल्फेट, ठीक है, नोट कर बेटा। देखा बेटा, नेक्स्ट देख बिटा दे, इसके बाद एफ में आ जा बेटा, एफ में आ जा, अगर मैंने लिखा है NA3, ठीक है, और CO, और चलो OH लिख दिया तो लिख दिया, हटाओ बात खत्म, ये लिख दिया मैंने, राइट। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर देख, ऑक्सीलेट माइनस टू, माइनस टू इंटू थ्री माइनस एक्स, तो अब देख थ्री प्लस एक्स माइनस सिक्स बराबर जीरो, तो एक्स बराबर कितना हो गया, प्लस थ्री, बेटा ये हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। अब नाम लिखना शुरू कर, अब देख सोडियम है ना, ये क्या ऑक्सलेट है, ऑक्सलेट के लिए क्या यूज करूंगा मैं, ट्राई, तो ये हो गया मेरा ट्राई ऑक्सलेटो, हुआ। अब इसके बाद एक निगेटिव वाला पार्ट इसके साथ जुड़ा है, इसका मतलब इसमें एट लगाएंगे, ये हो गया कोबाल्टेट, क्या हुआ, कोबाल्टेट। ऑक्सीडेशन नंबर बता बेटा कितना आया, तीन, नोट करो बच्चों।